इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं, आप सभी लोग आए हैं और ऑलवेज आपका सहयोग भी हमें रहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अपना काम और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए, जिसको हम तीसरा पिलर कहते हैं, वो आप लोगों का सहयोग मिलता है। तो इसलिए आज मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम जो काम कर रहे हैं या हो रहा है, उसकी थोड़ी सी जानकारी भी आपको देनी थी कि जिस तरह एक शहर में बहुत बड़ा एक रेड़ी फड़ी हर जगह, हर रोड में जैम, और जहाँ जिसकी मर्जी करती है वहाँ वो रेड़ी लगा लेता है, चलता है। तो इसके लिए स्मार्ट सिटी में हम एक प्रोजेक्ट जो ला रहे हैं कि सभी रेड़ी, जो जितने भी रेड़ी फड़ी है, उन सभी का हम एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमें वो रजिस्ट्रेशन करवाते नहीं हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, कोई जुर्माना होगा या क्या होगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं है, उसके लिए हम इसलिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि हम पूरे जम्मू शहर के 75 वार्डों में एक हर वार्ड में वहाँ जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उस जगह में आइडेंटिफाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कितनी गुंजाइश है रेडी लगने की। उस तरह पूरा करके एक सर्वे हो रहा है, उस सर्वे के बाद कितने लोग जो है रेड़ियाँ लगा रहे हैं, उन्हीं को ही रोज़गार मिले जो काम कर रहे हैं, उनको फिर हम हर वार्ड में जितनी कैपेसिटी होगी, जो लोग आज हम रजिस्टर कर रहे हैं उनको लाइसेंस इशू करेंगे, और प्रॉपर तरीके से वो अपनी रेड़ी और काम का जो है सही ढंग से लीगली कर पाएंगे, ताकि एक तो जगह जगह जो ट्रैफिक की जैमिंग है वो नहीं रहेगी, और दूसरा उन लोगों की हरासमेंट, चाहे हमारे कॉरपोरेशन के लोग करते हैं या पुलिस करती है या आम लोगों को होता है, वो नहीं होगी। ये एक हम अच्छा कदम लेने जा रहे हैं। दूसरा, बहुत जल्दी हम जो शहर की पार्किंग है इनका भी हम कर रहे हैं, पाँच तीर्थी वाली शहर की पहली ऐसी ई पार्किंग होगी जिसमें मैनुअल काम कोई नहीं होगा, उसके लिए भी हमें टेंडर कर दिए हैं, वो पार्किंग भी होने वाली है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो हैं उनको भी हम थोड़ा गति देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल हम अपने दोनों चेयरमैन, राजकुमार जी हेल्थ सेंटरेशन के चेयरमैन और अजय गुप्ता जी जो हमारे हैं वो हमारे सोशल जस्टिस के चेयरमैन हैं, इनके साथ हम गवर्नर साहब से भी कल मिले हैं। तो गवर्नर साहब के साथ हमने पूरा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या हो रहा है, हमें ज़रूरत क्या है, इतना लंबा मैं एलैबोरेट नहीं करूँगा, जो स्मार्ट सिटी के हमारे 300 करीब काम चल रहे हैं उनका भी हमने उनसे चर्चा की है। इसके साथ साथ वो लंबी मांग जो जम्मू शहर में 600 सफाई कर्मचारी जिनके इंटरव्यू भी लिए गए, उनको सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, लेकिन उनको अभी तक लगाया नहीं गया, लिस्ट नहीं निकाली गई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से भी हमने गवर्नर साहब से बात की है कि इसकी भी जल्दी से जल्दी किया जाए। थोड़े विकास कार्यों में गति लाने के लिए जो सेक्रेटरी से उधर से हम पैसे आते हैं, सिटी ग्रांट्स और बाकी फंड्स आते हैं, उन फंड्स में भी देरी हो रही थी, उसके लिए भी हमने बात की है कि उसके लिए भी जल्दी से जल्दी किया जाए। और इसके साथ साथ हमने हमारे साथ ऑल होटल्स एंड लॉज एसोसिएशन जो है उसने हमारे साथ एक मेमोरेंडम दिया था, उस मेमोरेंडम में उन्होंने हमारे साथ कहा था कि जम्मू शहर में क्या किया किया जाए, उन्होंने हमें 10 पॉइंट दिए थे, और वो 10 पॉइंट दिए थे कि अगर ये काम हम करते हैं, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू शहर के, वो भी अगर जल्दी हम उसको कम्प्लीट करते हैं, तो जो यात्री बाहर से आता है, जो ट्रेन कटरा जाने से वहाँ कम हो गया है, उसका भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, उसकी भी हमने बात की है। और मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ हमें सुना, हमें आश्वासन दिया है कि हमारा प्रयास जो है वो पूरा सहयोग जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रहेगा, आपको रहेगा, लेकिन हमें भी कहा है कि आप भी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करें। हमने भी आश्वासन दिया है उनको मिलके कि हम भी प्रयास करेंगे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो काम है, जो रेवेन्यू है, दूसरे काम हैं, उनको भी सही ढंग से करेंगे और अच्छी कॉरपोरेशन चलाएंगे। इसके साथ साथ जो पूरा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू शहर के लोगों को मैं आप पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे शहर की सफाई हो, चाहे विकास कार्य हों, चाहे जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। कहीं आपको सुझाव देने हैं तो वो भी हमें दे सकते हैं, ताकि हम और अच्छे तरीके से काम कर सकें। इस तरह से हमारा, मैं आपको कुछ जानकारी देनी थी तो इसलिए बुलाया था।
हमारे साथ मेरे चेयरमैन है।